हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे मैथ नंबर सिस्टम का पार्ट 6, जिसे हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत से प्रॉब्लम करे थे, इसमें बहुत से प्रॉब्लम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्द से जल्द कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, पी बाय क्यू। जो रेशनल नंबर है वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू क्या होने चाहिए और क्या होने चाहिए। तो अपना जल्दी बताइए, इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए या वो नंबर होना चाहिए और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, या नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसमें क्यू इक्वल होना नहीं नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के। तो इसका सही आंसर है ए, इंटीजर। वो इंटीजर जो यहाँ पे आएगा, रेशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होंगे एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर 49 by 77। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, सबसे छोटा 2/3, 4/3, 11/3 या 7/11। हम इनमें से हम ऐसे कौन से नंबर लेंगे जिसको हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जल्दी से बताइए, ये होगा या ये होगा। तो इसका सही आंसर होगा ये डी होगा। देखो, हम 49 को काट सकते हैं, ये होगा 7 और ये होगा 11। तो हम इसको काट सकते हैं ऐसे, तो ये आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 5/32, 11/24, 27/80 या ऑल ऑफ द अबव या सभी। तो इसके निकालने के लिए एक छोटा मेथड होता है, आप फुल मेथड से करिए, इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप पूछा तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा तो शॉर्टकट लगा सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव टाइप पूछा तो आप कर सकते हैं, डिवाइड करके करना हुआ आपको। तो इसका आंसर होगा ए। अब देखते कैसे है। देखो, हमें 5 ये जो ऊपर है न्यूमरेटर को भी काट देते हैं, हमें देखना 32, 24 और 80। इसका हम फैक्टराइज करते हैं, ये होगा 2 की पावर 5 होगा, है ना, और ये होगा, इसको हम करते हैं 24, ये जाएगा 2 से 1, 2 जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो आएगा ये 6 और ये 2 से जाएगा 3, इसमें आ गया 3, तो 2 की पावर 3 × 3 ये आ गया। और यहाँ पे 80 को भी हम कर देते हैं, 80 को हम कर सकते हैं 2, फिर 40, फिर 20, फिर 10, यहाँ पे 2 है अभी, फिर 10 के बाद 5, फिर 5, इसमें आ गया 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 × 5। तो हमारा आंसर होगा ये ठीक, क्योंकि हमें 2 और 5 की ऐसे देखना होता है, जिसके में 2 की पावर कुछ m हो या इसकी पावर कुछ n हो, ये होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, या इनकी पावर सेम भी हो सकती है, और लेकिन ये और ये 2 और 5 ही रहने चाहिए। अगर 3 आ गया, 6 आ गया तो ये नहीं हो सकता। ए रियल नंबर इज ए, रियल नंबर क्या होता है, ए रियल नंबर इज ए ऑलवेज ए वोल नंबर, हमेशा वोल नंबर होंगे, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर या हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, ऑलवेज आर रेशनल नंबर या हमेशा रेशनल नंबर होंगे, आइदर रेशनल और इरेशनल, या रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे दोनों। तो इसका सही आंसर है ये डी होगा, आइदर रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल और इरेशनल।
तो रियल नंबर क्या होंगे, रेशो एंड रेशनल। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज, डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? वो या टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, या हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे वो भी रिकरिंग और इसमें भी रिकरिंग, या टर्मिनेटिंग आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएंगे। तो इसका सही आंसर पूछिए, बताइए। तो सही आंसर होगा ए। देखो कैसे, ये हमेशा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होते हैं जो कि होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि 4/2, नहीं ये नहीं हो सकता है, 1/2 और हो सकता है 1/5, ये हो सकता है, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.2, ये हो गया। और हम नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, 1/7, नहीं 1/7 नहीं, हम देख सकते हैं 3/6, ये देख सकते हैं हम, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सभी मिलती रहे। तो गुड बाय।